दतिया में गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने ग्वालियर, दतिया, भिंड के किसानों के अधिकार का हनन किया है। उनके कार्यकाल के दौरान वल्लभ भवन में ट्रांसफर उद्योग चलाकर सबसे अधिक भ्रष्टाचार किया गया। गृह मंत्री के मुताबिक राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह पर उन्हीं की पार्टी के नेता उमंग सिंघार ने आरोप लगाया कि दिग्विजय सिंह खनन माफिया, शराब माफिया है, और लेकिन दिग्विजय सिंह ने आज तक इसका कोई उत्तर नहीं दिया। दरअसल गृह मंत्री यहां किसान साक्षरता कार्यक्रम में शामिल होने आए थे। मित्रों, मैं तो कहता हूं कि अच्छा हुआ 15 महीने कमलनाथ जी आ गए। आपको तुलना करने के लिए पता तो चल गया कि सरकार दूसरी कैसी है और उनका सोच कैसा है, जिन्होंने वल्लभ भवन को दरारों का अड्डा बना दिया, मध्य प्रदेश के अंदर भ्रष्टाचार का तांडव रक्त किया इन्होंने, तांडव कर कोई काम बिना पैसे के नहीं होता था। कोई काम, कोई कांग्रेस का वीर ऐसा छे नहीं है जो छाती ठोकने के देखकर बिना पैसे के काम करा है। कांग्रेस के नेता की बात कर रहा हूं, इनके मंत्री वन मंत्री उमंग सिंघार ने कहा कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा माफिया दिग्विजय सिंह है, शराब माफिया दिग्विजय सिंह, रेत माफिया दिग्विजय सिंह। मैं नहीं कह रहा, उसने कहा, और आज तक दिग्विजय सिंह ने खंडन नहीं किया और आज तक उमंग सिंघार ने खंडन नहीं किया।